13 तारीख को कलाम सिंह है, सन ऑफ खीम सिंह, जो कि ड्राइवर है मलखान सिंह के अंडर में। वो बीटल कंपनी है जो ऑथराइज डीलर है आईफोन की इंडिया में, वन ऑफ द ऑथराइज डीलर। वहां से ओखला से उनको सेक्टर 28 में द्वारका में मुदिता एक्सप्रेस कार्गो है, उनमें आईफोन 5S की डिलीवरी करनी थी। वहां से वो 11 बजे रात को निकलते हैं, 11:45 के करीब जब वो महिपालपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि एक पॉलिथीन जैसी कोई चीज उनसे टकराती है और वो पॉलिथीन इनके सीट के बगल में आके गिर जाती है। तो उसमें जब उन्होंने देखा, थोड़ा सा लाल रंग का पाउडर जैसा था, इनको लगा कि मिर्ची का पाउडर है। फिर भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही 2-3 मिनट ही आगे बढ़े होंगे, इनकी आंखों में और हाथों में जलन होने लगी। तो ये गाड़ी को वहीं साइड रोक करके इन्होंने आंख धोना शुरू किया। तब तक एक लड़का आया और इनको चाकू दिखा करके साइड में पटक दिया। दूसरा लड़का भी अंदर घुसा और इनको सीट के नीचे दबा दिया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते चलाते इन्होंने बताया, उनको फोन किया कि तुम शमशान घाट के पास गाड़ी लेकर के आ जाओ जल्दी। कि कौन सा शमशान घाट इनको नहीं मालूम था। वहां पर गाड़ी आई दूसरी, बताया इको गाड़ी आई। इको गाड़ी में सामान ट्रांसफर करा, कुछ जितना सामान आया, बाकी बोला आ नहीं रहा है। फिर ये लोग आगे बढ़े, एक और मोटरसाइकिल आई, उस मोटरसाइकिल में शिफ्ट हो गए और इसको इसकी गाड़ी के साथ छोड़ करके चले गए। सोर्स इन्फॉर्मेशन पर हमने अरमान को अरेस्ट किया। अरमान और मेहताब के पास से ये सारे 900 फोन, जिनकी कीमत 2.25 करोड़ ये हमने रिकवर करी है। साथ में इको गाड़ी जो कि क्राइम में यूज हुई थी वो भी रिकवर करी है। भोला और जितेंद्र और एक और राहुल का नाम सामने आया है, ये तीनों अभी वांटेड है, हमारी टीम लगी हुई है। विल अरेस्ट देम ऑल्सो। 984 टोटल फोन थे, इसमें 900